हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट बर्नार्ड के बारे में। इस डॉग के डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे कि कैसा होना चाहिए इस डॉग का डाइट प्लान, क्योंकि अगर ये डॉग की आप हाइट बॉडी देखोगे तो काफ़ी हैवी और काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग टाइप का डॉग है। इसे आप स्मॉल साइज़ के यानी उसको जो जगह रहने के लिए चाहिए वो भी काफ़ी बड़ी चाहिए, उसके साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से उसका डाइट प्लान भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सेंट बर्नार्ड डॉग है और आप उसका एक परफेक्ट डाइट प्लान चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, और आप अपने हिसाब से दोस्तों इस डाइट प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे आपके हिसाब से आपको ऐड करना है, कुछ निकालना है, तो आप अपनी रिस्क से निकाल सकते हैं जैसे आपकी डॉग की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आपको और भी डॉग के बारे में कुछ वीडियो बनानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, थोड़ी देर मगर पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा ज़रूर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप घर पर नया पप्पी लेके आते हैं सेंट बर्नार्ड का, तो आपको जैसे पता होगा कि उसकी हाइट और बॉडी काफ़ी हैवी होती है, और काफ़ी दोस्तों हैवी होता है, जिसके कारण उसको फिर आगे भी वैसी हेल्थ उसकी बना के रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि अगर आप एक हैवी बोर्न डॉग लेते हो या फिर पपी लेते हो तो उसके लिए अच्छा खासा पेमेंट भी देते हो, फिर आगे जाके अगर वो कमज़ोर हो जाता है तो फिर वो अच्छी बात नहीं होती। डॉग की हेल्थ इंक्रीज़ होती है फिर नहीं होती है, कभी कभार डॉग की जो हेल्थ काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है, तो इसके लिए आपको अच्छा डाइट प्लान की सख्त ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जब भी आप उसको घर पे लेके आते हो, बचपन से लेके मैं आपको आगे तक सब उसका डाइट प्लान आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं 1 मंथ से लेके 2 मंथ तक आपको उसको क्या देना है। तो आप नया पपी लेके आते हो तो एटलीस्ट उसको 30 डेज़ का तो होना ज़रूरी है। अगर आप 40 डेज़ में लाते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 45 लाते हो तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा डॉग लाने में कभी भी, क्योंकि उसका मदर मिल्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पपीज़ के लिए। तो अगर आप स्टार्टिंग के दिनों में उसको मदर मिल्क जितना ज़्यादा देंगे उतना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर सपोज़ आप लेके आते हो 30 डेज़ के बाद या फिर 35 डेज़ के बाद, तो आपको उसको क्या देना है, तो ऐसे टाइम पे उसको क्या करना है, आपको सेरेलैक्स आता है जो पपीज़ के लिए, वो आप उसे दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे पपीज़ का सेरेलैक्स अवेलेबल नहीं हो तो आप जो मेडिकल स्टोर में बेबीज़ के लिए आता है स्टेज 1 स्टेज 2, उस टाइप से आप सेरेलैक्स दे सकते हो। और ज़्यादा आपको ऐसा लगता है तो आप मिल्क रिप्लेसर भी उसे दे सकते हो, जितना हो सके उतना सॉफ्ट फूड उसे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मिल्क देते तो मिल्क बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मिल्क क्यों नहीं देना चाहिए उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखी, तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हो। तो दूसरी बात, आपको क्या करना है, छाछ या दही आप दे सकते हो, दही बेटर रहेगा, दही से डाइजेस्ट जल्दी से हो जाता है और पपीज़ की इम्यूनिटी शक्ति भी बढ़ जाती है। जो दही के अंदर प्रोटीन होता है वो भी डॉग्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप इस टाइप से उसे दे सकते हो। घर का खाना आपको ऐड नहीं करना है बिल्कुल, रोटी वगैरह ज़्यादा नहीं देनी आपको, सेरेलैक्स और वो सब आपको दिन में 3 या 4 टाइम देना है, जैसे कि सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, फिर रात दोपहर को 12-1 बजे, शाम को 3:30 या 4 बजे आप दे सकते हो, फिर रात को 8:30 या फिर 9 बजे आप उसे दे सकते हो। अगर डॉग को कभी कभार वो बाउल देखता है, भूख लगती है, तो आपको रात को भी एक बार उसे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह आपको कंटिन्यू करना है 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक। इसके साथ साथ आपको डॉक्टर के पास उसको चेकअप कराने ले जाते हो, तब उसको वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग आपको कंप्लीट करानी है। उसके साथ साथ उसका मदर मिल्क छूट जाता है, उसके लिए जो दवाई आती है वो आप लेके आ सकते हैं डॉक्टर के रिकमेंड करके, क्योंकि ये आपको अलग अलग डॉग से पपीज़ की हाइट और बॉडी के हिसाब से वो देते हैं, तो आप अपने डॉक्टर के राय लेके ले सकते हो। उसके साथ मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी आते हैं जो आपके डॉग के हेल्थ के लिए इंक्रीज़ होने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी उसे दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं 2 से लेके 4 मंथ तक आपको उसको क्या देना है। तो जैसे आपका पपी 2 मंथ का हो जाता है या फिर 2.5 मंथ का हो जाता है, तो आपको पपी स्टार्टर फूड उसको स्टार्ट करना है। पपी स्टार्टर फूड आपको ध्यान रखना है कि उसके जो दाने होते हैं यानी जो फूड के दाने होते हैं काफ़ी छोटे होने चाहिए, और पपी स्टार्टर फूड ही लीजिएगा, आप एडल्ट का बिल्कुल मत लीजिएगा। पपी स्टार्टर फूड आप कोई भी ब्रांड का ले सकता है जिसमें अच्छे न्यूट्रिशन हो, कैल्शियम हो, उस टाइप से आप डॉग फूड चूज़ कीजिएगा। अगर ऐसा हो तो आप ट्रायल पैक चूज़ करके देख सकते हो, अगर आपका पपी अच्छे से खा लेता है तो आप फिर बड़ा पैकेट ला सकते हैं। तो पपी स्टार्टर फूड भी आपको स्टार्ट करना है। आपको उसको क्या करना है कि 2 या 3 बार आप उसे दे सकते हैं दिन में। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि दही वगैरह आता है वो भी उसको देना है, जिसके कारण उसको अच्छा लगेगा खाने में। सॉफ्ट फूड उसे देना है, नरम फूड उसको देना है, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा उसके लिए। साथ साथ में आप जो फूड्स आता है वो उसको क्या करना है, आपको कभी कभार उसको अगर ऐसा लगता है तो आप चावल के साथ दे सकते हैं थोड़ा सा, जो उसमें मॉइस्चर होगा और आपके डॉग के डाइजेस्ट सिस्टम है यानी डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा और डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छे से काम करने लगेगा।
क्योंकि जो फूड के अंदर भी अच्छे खासा विटामिन होते हैं। और साथ साथ में आपको अगर आप रोटी और छाछ उसे देते हैं तो दिन सुबह रोटी और छाछ दे सकते हैं, शाम को डॉग फूड भी दे सकते हैं, पपी स्टार्टर फूड आता है वो दे सकते हैं, और शाम को भी पपी स्टार्टर फूड भी आप उसे दे सकते हैं, फिर खाना देना चाहते हैं घर का खाना तो वो भी आप उसे दे सकते हैं। जैसे आपका पपी 3 या 4 मंथ का हो जाता है तो ऐसे में क्या करना है आपको, अगर उसकी एज अच्छे से ग्रो नहीं हो रही तो 2 मंथ या 2.5 मंथ के बाद से आप क्या करना है, आप राइस के साथ उसको एक एग दे सकते हैं शाम को। आप ऐसा एक एक दिन का गैप छोड़ के भी दे सकते हैं, और फिर रेगुलर आपको देना हो तो फिर थोड़ा सा वो महंगा पड़ सकता है, तो एक एक दिन का गैप छोड़ के आप दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा राइस के साथ। अगर पपी राइस के साथ नहीं खा रहा तो ऐसे आप दे सकते हैं एग, जो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, खास करके चावल के साथ दे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। फिर बात करते हैं डॉग फूड की, तो डॉग फूड के अंदर आप एग को मिला के देते हो तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर खाना खा नहीं रहा आपका डॉग पपी या फिर डॉग 3 या 4 मंथ का हो गया, उसका मुंह का स्वाद बिगड़ गया, तो उसके लिए आप ग्रेवी का यूज़ कीजिएगा। ग्रेवी आप कम से कम दोस्तों हफ्ते में उसको 2 बार दे सकते हैं, रेगुलर मत दीजिएगा नहीं तो उसको फिर वैसी हैबिट लग जाएगी। साथ साथ में आपको उसको वेजिटेबल्स फ्रूट वगैरह दे सकते हैं आप घर में जो नॉर्मल खाते हो, वो मीठा आपको बिल्कुल ही नहीं देना। अगर आप मीठा उसको देते हैं तो बाल झड़ जाएंगे और भी बीमारी हो जाएगी, स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसी एलर्जी होगी, स्किन एलर्जीज होती है, या फिर जो स्किन के जो आपके पपीज़ के बाल होते हैं वो भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सेंट बर्नार्ड काफ़ी हैवी होता है, डॉग होता है, तो उसके कारण ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब बात करते हैं 4 से लेकर 6 मंथ तक आपको क्या देना है। तो पपी स्टार्टर फूड है वो आपको कंटिन्यू करना है, घर का खाना भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रीट में आप डॉग्स को या फिर पपीज के लिए जो डॉग फूड आता है या फिर कुछ ऐसे ट्रीट आते हैं जो बिस्किट्स वगैरह बोल सकते हैं आप, या फिर फूड टाइप के आते हैं वो आप उसे दे सकते हैं। बोन आप उसे दे सकते हैं, बोन्स में कैल्शियम होता है, कैल्शियम बोन वहाँ भी दे सकते हैं, जिसके कारण उसके जो जबड़े काफ़ी स्ट्रांग रहे और मजबूत रहे, और फेस का जो मोटापा होता है ना, फेस मोटा नहीं हो रहा एकदम पतला सा हो रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप उसको चबाने के लिए काफ़ी हैवी बोन दे सकते हैं, और ध्यान रखिएगा पपी वाले बोन दीजिएगा, एकदम एडल्ट वाले ना दीजिएगा नहीं तो चबा नहीं पाएगा अच्छे से। उसके साथ साथ अगर उसकी स्किन रफ़ है तो आपको सैल्मन ऑयल उसे दे सकते हैं 5 ml फूड के साथ। आप उसको डॉक्टर की राय लेके भी आप इसे दे सकते हैं, अगर रफ़ हो रहा है बाल एकदम स्मूथ नहीं है तो उसके लिए भी दवा आती है, वो डॉक्टर की राय लेके आप उसे दे सकते हैं, जिसके कारण उसके हेयर काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सके। एग आप स्टार्ट कर सकते हैं दिन में या 2 दिन बाद या दे सकते हैं 3 दिन बाद दे सकते हैं। नॉनवेज आप जो है उसको बॉईल करके उसे दे सकते हैं, बॉईल करके दोस्तों आपको वीकली एक बार उसे देना है, और ख़ास करके उसका पानी उसको देना है, पानी में काफ़ी विटामिन्स होते हैं। तो अब बात करते हैं 6 से लेकर 9 मंथ तक आपको क्या देना है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप जो पपी स्टार्टर फूड है वो आप बंद करना, और जो पपी वाला आता है फूड वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। पपी स्टार्टर फूड अलग आता है, पपी वाला फूड अलग आता है, तो आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़ होता है, जब भी आप वहाँ से मार्केट से लेते हैं उनसे आप पूछ के आप ले सकते हैं अगर आपको पता नहीं चल रहा। तो फिर घर का खाना आप दे सकते हैं, अगर आपके पास बजट नहीं तो आप घर का खाना भी कंटिन्यू कर सकते हैं, दही छाछ रोटी वगैरह आपको उसको देना है, मीठा ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। साथ साथ में आपको कभी कभी बाहर आ जाते हैं आप वेजिटेबल्स लाते हैं, वेजिटेबल्स आप ज़रूर दीजिएगा उसको, फ्रूट वगैरह दे सकते हैं, फ्रूट में काफ़ी एनर्जी होती है जिसके कारण उसको अच्छा लगेगा खाने में भी और मुँह में स्वाद भी लगेगा। पानी आपको कंटिन्यू देना है, पानी फ्रेश प्रोवाइड करना है। खाना अगर आपका डॉग की हेल्थ अच्छे से ग्रो नहीं करी तो खाना 3 टाइम कर दीजिएगा, जो डॉग फूड होता है वो अच्छे से चूज़ कीजिएगा, और मल्टीविटामिन टेबलेट वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस एज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक आपको उसको क्या देना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अगर आपके डॉग का बॉडी का शेप अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे हेल्थ इंक्रीज़ हो रही है, तो आप उसको अच्छे से जो खाना है वही कंटिन्यू चालू रखिएगा। अगर नहीं है तो खाने के अंदर फेरफार कीजिएगा, या फिर डॉक्टर को एक बार चेकअप इस एज में ज़रूर कराएं, यानी उसको जो डिवॉर्मिंग की प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, कुछ अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं खाना, भूख नहीं लग रही तो उसकी दवाई आप दे सकते हैं, और एक्सरसाइज प्रॉपरली कराए आप 5 मंथ से लेके 6 मंथ तक, या फिर आप बोल सकते हैं कंटिन्यू जब से आपका डॉग 2 मंथ का होता है तब से लेके आगे तक उसको डेली वॉक ज़रूर कराए। उसके साथ साथ आप उसको ट्रेनिंग भी ज़रूर देनी है, जिसके कारण उसके बॉडी का शेप अच्छे से ग्रो करेगा। तो ऐसा आप कर सकते हो, और जो खाना है वो कंटिन्यू आपको चालू करना है 12 मंथ तक। अगर आपको कुछ उसमें मॉडिफाई करना है, कुछ उसको अच्छे से ओमेगा 3 ओमेगा 5 ओमेगा 6 ऐसे आपको देना है उसको, तो आप दे सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा डॉग्स के लिए। तो अब बात करते हैं 1 ईयर का हो गया उसके बाद हमें क्या करना है। अब तो कुछ हम जो है पपीज़ का सब कुछ हो गया, हमारा डॉग एडल्ट हो गया, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ दिन होते हैं, फिर आगे जाके आपको यही फूड कंटिन्यू करना है। जैसे कि अगर आपका डॉग अच्छे से अगर डॉग फूड खा लेता है जो
पपीस वाला आता है, अगर उसको अच्छे से चबा लेता है, अच्छे से खा सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो फिर आप एडल्ट फूड ला सकते हैं। अगर आपको क्या होता है कि पपीस वाले जो फूड के अंदर पपीस के सारे कैल्शियम विटामिन होते हैं, और एडल्ट डॉग अगर लाते हो तो एडल्ट डॉग के जो ज़रूरत होती है उस टाइम पे कैल्शियम की, तो उस टाइप के उसके अंदर विटामिन और सब कुछ होते हैं, तो आप ऐसा एडल्ट भी ला सकते हो। एडल्ट आप कंटिन्यू करना चाहते तो वो कर सकते हैं। अगर ध्यान रखें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, डॉग फूड इतना महंगा नहीं ला सकते, तो आपको क्या करना है, घर का खाना और डॉग फूड आपको मिक्स करके उसको देना है, डॉग फूड और जो है घर का खाना, तो मिक्स करके अंदर दे सकते हैं, क्योंकि इससे आपका डॉग फूड भी ज़्यादा दिन तक चलेगा, घर का खाना भी अच्छे से खा लेगा। ऐसा नहीं कि अगर बाहर का डॉग फूड देते तो ही आपका डॉग हेल्दी बनेगा, आप घर के खाने से भी बना सकते हैं। फिश और आप जब भी देते हो डॉग को खाने को, तो ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर का जो कांटे होते हैं वो आप अपने हाथ से निकाल के फिर उसको फीस दीजिएगा, ऐसे मत डालिएगा, नहीं तो उसके कांटे जो गले में फंस सकते हैं और डॉग को कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी डॉग मर भी सकता है। तो ये बहुत ही दोस्तों ध्यान से संभाल के दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग नॉन वेज स्टार्ट कर सकते हैं आप इस हिसाब से। अब बात करते हैं, अब हम जो हमारा पपी थी 3 साल का है, 4 साल का है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो यही आप कंटिन्यू खाना चालू कर सकते हैं, घर का उसको दे सकते हैं, डॉग फूड दे सकते हैं, कुछ कैल्शियम बोन्स आते हैं उस टाइप से उसे दे सकते हैं। अगर आपका पपी ज़्यादा बड़ा है तो आप जो बड़े जो एज के जो विटामिन मल्टी विटामिन आते हैं वो उसे दे सकते हैं। पानी प्रॉपरली उसको देना है, पानी जितना पिएगा उतना अच्छा रहेगा। ट्रेनिंग आप जितनी दे सकते उतनी दो, एक्सरसाइज कराओ प्रॉपरली। अगर आपका डॉग खाना नहीं खाता तो उसके लिए दवाई आती है, वो भी आप उसे दे सकते हो। अगर पानी खाना नहीं खा रहा है तो प्रॉपरली उसको एक्सरसाइज कराओ, रनिंग कराओ, जिसके कारण उसको भूख लगेगी और वो अच्छे से खा भी लेगा। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आप सबको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। तो कुछ अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर से मुझे बताइएगा, और आपको ये सेंट बर्नार्ड डॉग कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।